हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को रेंट एग्रीमेंट के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। रेंट एग्रीमेंट यानी क्या? रेंट एग्रीमेंट एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जो मकान मालिक और किराएदार इन दोनों के बीच में बनाया जाता है। प्रॉपर्टी किराए पर देनी हो या प्रॉपर्टी किराए से लेनी हो, रेंट एग्रीमेंट का बनना बहुत ही जरूरी होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई चीज जो सबसे कीमती है तो वो है समय, और समय किसी के पास भी नहीं है। आज आप सभी को ये भी पता होगा कि आजकल कानूनी कामों में कितना समय लग जाता है कभी कभार, पर हमारे न्यायसेवक के ऑनलाइन पोर्टल में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपके कीमती और मूल्यवान समय का सही इस्तेमाल करके आपको बस बताया नहीं जाता, बल्कि एक दोस्त की तरह समझाया भी जाता है। रेंट एग्रीमेंट वो होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच में बनाया जाता है। रेंट एग्रीमेंट लिखित रूप में होना बहुत ही जरूरी है, जिस पर मकान मालिक और किराएदार दोनों के सिग्नेचर का होना जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार दोनों के नाम के साथ रेंटेड प्लेस का पूरा एड्रेस का होना भी बहुत ही जरूरी है, और अपनी प्रॉपर्टी कितने समय कितने टाइम के लिए रेंटेड रहने वाली है इसका भी जिक्र होना बहुत ही जरूरी है। सिक्योरिटी मनी का भी जिक्र होना बहुत ही जरूरी है रेंट एग्रीमेंट में, और प्रॉपर्टी कितने टाइम के लिए रेंटेड है वो भी होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में 18 वर्ष के ऊपर का होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई 18 वर्ष के नीचे का रेंट एग्रीमेंट बनाएगा तो वो रेंट एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए रेंटेड प्लेस पे जाएगा, अगर कोई 11 महीनों के बाद होगा तो वो रेंट एग्रीमेंट दोबारा बनाना पड़ेगा। रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 ये किसी भी प्रॉपर्टी किराए पर दी जाए या ली जाए उस पर लागू होती है। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी किराए पर कब दी, कब तक होगी, गैस बिल, लाइट बिल, वाटर बिल, ये सब कौन भरेगा एक्सेट्रा, इसकी भी जानकारी रेंट एग्रीमेंट में लिखा होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हमारे न्याय सेवक के ऑनलाइन पोर्टल में, और आपके रेंट एंड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के सारी जानकारी इजीली मिलेगी। तो सर्च करें न्याय सेवक और अपनी सारी कानूनी उलझन को सुलझाए, क्योंकि लीगल इज नाउ अफोर्डेबल।